नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है और उस गांव के अंदर खड़े हुए हैं। इस गांव की आज पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे चैनल पर। तो गांव के अंदर अभी हम चलते हैं और जो लोग बाग हैं यहां पर मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं बिजनौर टीवी के माध्यम से काफ़ी गाँव के वीडियो आप तक पहुँचते रहते हैं। जो गाँव के अंदर समस्याएँ होती हैं उनको भी हम वीडियो में दिखाते रहते हैं और जो भी यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें यदि हमको दिखाई देती हैं तो उनके बारे में भी हम लोगों से जानकारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए। तमन्ना भी उम्र भर कम नहीं होगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी जी रहे हैं बरसों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। यह रोटी भी सस्ती नहीं है यारो, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे बचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईना देख लीजिए, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। इना नाम है मेरा। तो यही घर है क्या आपका? हाँ यही घर है। गांव का नाम क्या आपके? सहजादपुर। सहजादपुर या सहबाजपुर? नहीं, सहजादपुर। सहजादपुर की बिजनौर कितनी दूर है यहाँ से? ये तो खैर मुझे सही से पता नहीं। सही से नहीं पता, मतलब जाती नहीं हो क्या बिजनौर? जाते आते तो है लेकिन पता नहीं है। पता नहीं करते क्या, मतलब आप लोग काम क्या करते हैं? बस मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं? मिल जाए मजदूरी यहाँ? कहाँ करते हैं? मतलब खेतों में जाते हैं? बिजनौर ही करने जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं या घर पे खेलते हैं? अभी ना ना पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दो बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल है गांव के अंदर? हाँ स्कूल है, अभी इंटरवल हुआ। कितने कितने स्कूल हैं? हाल फिलहाल तो एक ही स्कूल है, एक प्राइवेट एक सरकारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। तो अभी चल रहे हैं हम और आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इस गाँव के नागरिक हैं, अभी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। बैठ जाम? हाँ बिल्कुल बैठो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। घनश्याम जी, अच्छा तो इसी गांव के अंदर रह रहे हैं आप या? नहीं नहीं यही रहता हूँ, बचपन से जन्म यही हुआ है मेरा। माँ कभी रिश्तेदारी में? ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, यही जन्म हुआ 1956 में। अच्छा 1956 में आपका जन्म हुआ, 1956 से यही रह रहे हैं। तो अपने जीवन में क्या बदलाव देखे गाँव के अंदर? कुछ नहीं, परिवर्तन तो बहुत हुआ है पर अच्छा सड़कों की जो दिक्कत है कोई थोड़ी अभी कहीं चल रही है समस्या गांव के अंदर। गांव के अंदर जो हमारे अच्छा। थोड़ी सड़कों की समस्या है, अभी सड़कें पूरी नहीं बन पाई हैं, काफी बनी है वैसे तो जी, जी, जी। पर कुछ रह गए हैं इससे। आपके टाइम में कच्चे रास्ते होंगे? कच्चे रास्ते थे, पानी थे रास्ते में, खड़ंजा गारा रहता था रास्ते में, निकलने में दिक्कत आ जाती थी बरसात के दिनों में। अब तो बहुत बढ़िया है वैसे, खड़ंजा है और कहीं सीसी भी है। तो आपके गांव में पढ़ाई का क्या माध्यम, स्कूल में बने हुए हैं यहाँ या बाहर जाना पड़ता है यहाँ से? नहीं नहीं यहाँ जूनियर तक है हमारे यहाँ व्यवस्था, जूनियर तक है। हाँ उसके बाद फिर सरकारी प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर जो प्राइवेट स्कूल चला रखा है। अच्छा। हाँ मैनेजमेंट के द्वारा गांव की एक कमेटी है जो चला रही है स्कूल को। तो उसके बाद मतलब जैसे इंटर करना हुआ या इंटर के लिए जो हाई स्कूल है मंडावली है पास में, यहाँ से लगभग पड़ता होगा तीन किलोमीटर। अच्छा। और एक यहाँ पास में मोहम्मदपुर देवमल है, उसमें इंटर कॉलेज है जो यहाँ से, वो भी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। उच्च शिक्षा के लिए वो जाते हैं जी। देवमल यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। अच्छा। लेकिन वो सपा की सरकार आई नहीं, वो भी बंद पड़ा है। बंद पड़ा मतलब आज तक चालू? ना जी ना आज तक चालू नहीं हुआ, लड़कियों की समस्या ज़्यादा कह रही है। मतलब लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं क्या लोग? देखो माहौल ही ऐसा हो रहा है बाहर, लड़कियों बाहर भेजते हैं। आजकल तो योगी सरकार में तो कोई ऐसा तो है लेकिन कहते हैं ना ऐसी छेड़खानी नहीं। योगी सरकार में से बहुत तो ज़्यादा फायदा मिला है महिलाओं के लिए, ज़्यादा फायदा मिला, लेकिन घबराहट तो माँ बाप का रहती है यार, मैं जाऊँगी अभी स्कूल से लौटी नहीं भाई, ये ज़्यादा समस्या है। बालिका छात्रावास जो है ये खुद चल जाए। तो अभी फिलहाल 8 बजे तक ही शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं यहाँ गांव में जी? 8 बजे तक नहीं ऊपर कर देते हैं। अच्छा। जैसे मंडावली मतलब सभी नहीं, कुछ ही लोग? हाँ कुछ ही लोग जी, कुछ ही लोग। अगर वो बन जाए तो पढ़ाई का ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा बेटों को आराम मिल जाएगा। अच्छा। क्या नाम है आपका? तेजपाल। तो काम क्या करते हैं आप? वो खेती करते हैं जी। खेती करते हैं जी। मेरा नाम पंकज कुमार। यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं से, अगले गाँव से। अगले गाँव से खेत बीच में बस। अच्छा।
तो इस गांव के बारे में तो पूरी जानकारी। हाँ, इस गांव के बारे में पूरी जानकारी। ये रोड देख रहे हैं हम यहाँ, मतलब काफी वाहन गुजर रहे हैं, तो ये कहाँ जाता है रास्ता? ये रोड जो हो हमारा जो इधर बैराज, गंगा से गंगा का जो बैराज पुल है वहाँ से जो हमारे उत्तराखंड को जोड़ता है, जो हमारा गांव का जो मिनी रोड है ये उत्तराखंड बालावाली क्षेत्र को जोड़ता है। इसमें इतनी समस्या है, अभी जो हमारे बता रहे थे कि स्कूल की समस्या, आठवीं तक हमारा स्कूल है, इंटर तक स्कूल है हमारा मंडावली में, लेकिन समस्या हमारे सामने मालदा नदी के, सबसे बड़ी समस्या मालदा नदी के पुल की है। बच्चे वहाँ जाते हुए क्या माँ बाप भी एडमिशन करवाते हुए कतराते हैं, क्योंकि मालदा नदी में पानी बहुत उत्साहता है, बरसात में ही समस्या होती है, अगर जाड़ों में बारिश हो जाए ज्यादा। हाँ, तो तब भी बंद होता है। जी, जाड़ों में बारिश ज्यादा हो जाएगी तब भी बंद होता है, लेकिन बरसात की तो पूरी समस्या है चार महीने की। ठीक है जी, स्कूल की तो यह है, और जो इधर के स्कूल की बता रहे थे वो स्कूल सपा सरकार में रुचि वीरा ने जो इसका शिलान्यास करा रहा, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने 5 साल पूरे वे कर लिए, और ये भी पूरे मतलब 1 साल ये भी हो गया, इसमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं, पूरा स्कूल बना हुआ तैयार खड़ा सी खंडर में तब्दील हो गया, शीशे लगे थे सारा, सब टूट गए वो भी, तो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार। दिनेश कुमार सर जी, तो ये नदी का पुल बता रहे हैं यहाँ जी? हाँ, हमारे 8वीं क्लास से जो ऊपर के बच्चे हैं, अच्छा, उन्हें मंडावली के, मंडावली में हमारा एक इंटर किसान इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ाने भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो जब पानी बरसात में ज्यादा आता है तो कई कई दिन तक उतार नहीं देती, मतलब बच्चे घर ही बैठ जाते हैं, घर ही बैठ जाना, बताओ क्या करें जी। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या मालदा नदी के पुल की। अच्छा, बालकों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ा, कई कई दिन घर रहना पड़ा जी। बताऊँ ये जो है जो मालदा वाली समस्या बता रहे हैं, ये हमारे जो है कम से कम 30-35 गाँव होंगे पीछे वाले, जो इसी रास्ते से जो हो टच में है, उसमें निकलना होता है, निकलना इसी रास्ते से है। अच्छा, क्योंकि और कोई जो हो क्या नाम रास्ता है नहीं भाई, बिजनौर को ये जो हो क्या नाम शहर से यही जोड़ता है जी। तो अब ये बरसात के टाइम में बच्चों की समस्या तो ज्यादा गंभीर समस्या जी। तो हमारा तो ये है कि जो हो क्या नाम भाई, अब इंटर के बाद भी बच्चे आगे जाएंगे पढ़ने के लिए जिले में, तो कहने का मतलब यह है कि पुल की तो बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, इस पर जो है क्या नाम सरकार की तरफ से कोई भी वाहन जैसे आने जाने की वो भी समस्या है, तो सरकार को चाहिए कि जो है क्या नाम रोडवेज बसें लग सकती हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है भाई, बाला वाली से लेकर के और ये जो है बिजनौर क्षेत्र, मेरे ख्याल से 30-35 गांव होंगे इस पर। बिजनौर की कितनी दूरी यहाँ से? यहाँ से जो ऐसी 10-11 किलोमीटर के आसपास। 10-11 किलोमीटर। और आने जाने का क्या साधन है? आने जाने का तो ये जो है प्राइवेट वैसे वाले, किसी ने ऑटो ले रखा, किसी ने मैजिक ले रखी। अच्छा, ये हमारे आस पड़ोस वाले अपने निजी वाहन, अपने निजी वाहन, हाँ वही है बस, और कोई सुविधा है नहीं सरकार की तरफ से। और इस चीज के लिए हमने जो है क्या नाम ये रखा भी है, रोडवेज जो है बसें चलनी चाहिए और आ सकती हैं बड़े आराम से, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा। कई गांव हैं इधर इस साइड में बच्चों का भी आना जाना डेली का, और उनके 35 गांव में कुछ ना कुछ रिश्तेदारों का तो डेली आवागमन रहता ही होगा। हाँ, ये ये खादर क्षेत्र के 30-35 गांव ऐसे हैं कि 30-35 गांव में कोई भी सरकारी वाहन आने जाने के लिए सरकार ने आज तक जो हो कोई, मतलब जब से देश आजाद हुआ जब से कोई भी वाहन नहीं मिला। अच्छा, हाँ खुद ही करना पड़ता, खुद ही आपस में वो अपनी व्यवस्था है जो लोगों की निजी की जी जी। वो करते हैं ये लोग। इतनी आबादी इसकी लगभग जो है 5-6 हज़ार के करीब, 5-6 हज़ार के करीब आबादी होगी यहाँ की। अच्छा, मेरा नाम टिंकू सिंह है और मैं ग्राम मुजफ्फरपुर केशव का रहने वाला हूँ। अच्छा, बता रहे हैं ये नदी का जो पुल है इसकी ज्यादा बारिश, ये समस्या तो बहुत पहले चली आ रही है पुल की, इस ओर तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कोई नेता। तो आप सुना बनना, आप भी पत्रकार हैं तो उठाते रहते हैं मुद्दे, है मुद्दे उठाए हैं, एक दो बार लगाए हैं, पर कोई कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का, कोई फायदा। इसी गांव के वहाँ पर रहने वाले? हाँ जी, हाँ इसी गांव। तो इसमें क्या लगा, मेला लगा क्या लगा जी? नहीं, हाँ मेला का बाजार भी लगा। बाजार किस दिन लगता? बाजार लगा जुम्मा और मंगल। मंगल और जुम्मा दो दिन। मतलब बड़ा बाजार भर, कितने गांव के लोग बाजार भर? छोटा ही लगा, सब्जी अच्छा अच्छा 5-6 गांव। सब्जी आप बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ 5-6 गांव के। 5-6 गांव के। तो मेला कब लगा जी यार? मेला छड़ियों का लगा। छड़ियों का मेला लगा। तो एक दिन चला, दो तीन दिन चला, तो काफी भीड़ आती हो? काफी भीड़ है। तो मंदिर कहाँ है? हजार भीड़ वाला मंदिर पर आ रहा दूसरी साइड में। हाँ बल्ली लगा। तो झूले वगैरह भी आमो? झूले भी आमो, सब आमो, सभी चीज़ें। हाँ। अच्छा, सारी चार दीवान के नाम है। कौन कौन सी कास्ट है आपके गांव में? हमारे गांव में बस जाटना। जाटना? हाँ। तो बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारी।
हरिजन मुसलमान चौहान सानी चमार सभी रहे हाँ सभी रहे मेल जोल से रहते हैं हाँ मेल जोल से जुड़ा हुआ है हाँ हमारे ही रिपोर्ट से वो ना करता कोई अच्छा अच्छा हाँ ये बहुत बढ़िया बात है जी जी तो यहाँ से कुछ समस्याएं चली हुई हैं गांव के अंदर जैसे ग्रामीण हो आपको पता होगा अपने गांव का कि ना कुछ समस्याएं भी चली हुई हों जैसे गांव में तो है ऐसा कुछ या सब कुछ अच्छे से चल रहा है जैसे रास्ते हाँ बढ़िया सब बढ़िया पढ़ाई उड़ाई का साधन बच्चों को सब बढ़िया ठीक है जी थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर गांव के अंदर ही एक स्थान हमको दिखाई दिया है हो सकता है कि जैसा अभी ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ जो है वो छड़ियों का मेला भी लगता है और स्थान ये बना हुआ है तो अंदर से दिखाने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे तो हनुमान बजरंग बली जी की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी काफ़ी बड़ी मूर्ति गाँव के अंदर ये लगी हुई है यहाँ पर और एक मंदिर इसी के बिल्कुल साइड में बना हुआ है और काफ़ी वैसे स्थान भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे देवी देवताओं के जो स्थान होते हैं हिंदू धर्म में माने जाते हैं उस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है वो शिव मंदिर जो है वो बना हुआ है लेकिन अभी यहाँ हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ जैसे अभी हम मंदिर में देख रहे थे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा रहता नहीं क्या कोई यहाँ यहाँ महाराज नहीं रहते महाराज नहीं रहते तो साफ सफाई कौन करता है साफ सफाई है गाँव का लड़का है वो करता गाँव का लड़का तो आप भी इसी गांव में रहते हैं हाँ हम भी इसी गांव मंदिर के आसपास ही रहते हैं कहीं मंदिर के आसपास रहते हैं आसपास मेला कब लगता है यहाँ मेला सावन के महीने में अच्छा झारवीर का मेला लगता है दसवीं में अच्छा भीड़ भाड़ खूब रहती है भीड़ भाड़ कई हजार लोगों की संख्या रहती है अच्छा तो व्यवस्था कैसे करते हैं गाँव वाले व्यवस्था गाँव वाले करते हैं कमेटी बनाई हुई पुलिस प्रशासन भी सहयोग करता है पुलिस प्रशासन सहयोग करता है अच्छा तो आप लोग क्या करते हैं भाई पढ़ाई करते हैं या कोई काम वाम करते हैं अपना पढ़ाई करते हैं पढ़ाई आप भी पढ़ाई कर रहे हैं चलो ठीक है और आप भाई हम भी पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कैसा आ गए जी इधर को घूम रहे थे हम हमें देख कर आ गए ना, ना, तुम्हें देख कर आ गए हम ही देख कर आ गए अरे क्या हो रहा है तो गाँव में क्या चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है गाँव में या कुछ सब मजे में हाँ अच्छा अच्छा राम राम जी कहाँ जा रही थी मैं तो इधर से आ रही इधर से आ रही हाँ। तो कैसे रुक गई थी मैं देख रही थी क्या हो रहा क्या हो रहा है भीड़ भाड़ सी हो रही है क्या करे करो काम वो करे करो कुछ या ना नहीं मैं तबीयत खराब हो रही मैं तो इधर घूमने गई थी वैसे जैसी घूम रही हो तबीयत खराब हो रही लेटा नहीं जा रहा लेटा ही नहीं जा रहा तबीयत खराब ना है इसका मतलब आपकी ऑपरेशन करवाया मुझे घूम रही हो ठीक है घूम लो गाँव बढ़िया आपका हाँ गाँव बढ़िया सुंदर गांव हो या वैसे ही गंदगी गंदगी रहे गांव के अंदर अभी तो गई जब ये फुट्टी पड़ी सड़क तो गंदगी हो गई पानी के लिए सरकार ने तोड़वाई भाई पानी भी तो तुम ही पियोगे तो पानी तो अभी तो इतने जाने कितने साल में भी तो टंकी भी ना खुद ही सड़क पहले खुद वहाँ के गिर दी और बताओ इसका क्या हो रहा है इससे समस्या मतलब आप लोगों को सड़क गाँव में सड़क जैसे पाइप बीचते चले जाऊंगा तो सड़क बंद हो जाएगी ठीक है जी तो गाँव के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो दुकानें भी आपको दिखाई दे रही है जो अभी दुकानदारों से भी हम बातचीत करने वाले कौन है भैया दुकानदार अंदर आप कैसे बैठे थे यहाँ चाय पानी पी रहे हैं क्या हाँ चाय पानी पी रहे हैं फेमस है क्या दुकान गाँव की हो तुम बताओ यार हाँ फेमस ही है जी फेमस दुकान है हाँ 24-25 साल हो लिए अच्छा जी तो रोज यहीं पीने आते हैं क्या हाँ रोज यहीं यहीं पूरा दिन कट जा अच्छा जी तो जो भाई दुकानदार हैं अभी उनसे बात कर लेते हैं हाँ जी क्या कर रहे हो बिजी हो क्या हाँ बस पकौड़ी सी बना रहा था पकौड़ी सी बना रहे थे या बना दी बना ही रहा हूँ बना रहे हो अभी कैसी चलो दुकान आपकी ठीक चलो गांव में बढ़िया रोजगार है सही है क्या हजार लोग खा लेंगे रोज मेरे तो गिनती ना गिनती बता दूंगा गिनती करके पूर्ति भी कर दो या ना या कुछ लौट जा ना लौट भी जा कुछ लौट भी जा अच्छा अच्छा मतलब कुल मिलाकर गांव के अंदर बढ़िया काफी लोग निकलते हैं आपकी दुकान के साथ बहुत आदमी निकलते हैं ठीक है जी थैंक यू जी आप कहाँ घूम रहे हैं भाई समोसा खाना है थे लिया अभी ना इनके 40 समोसे बन गए 40 समोसे ने क्या रुपए का दे रहे हैं समोसा 8 रुपए का 8 रुपए का चटनी उटनी लगा हाँ चटनी लगा दो चटनी कौन सी रहे तिक्खी वाली तिक्खी वाली तिक्खी कौन सी रहे भाई हरी मिर्च की चटनी हरी मिर्च की इधर के लोग तिक्खी काम हो तो आप कैसे बैठे जी सोच लो आपने कुछ ना खाया हम तो हमने चाय पी रहे चाय पीने वाले आदमी हो आप कितनी दूर से आए चाय पीने आप मैं तो काम रोज आने का 30-34 दिन का आने का ना इसी गांव के हैं दूसरे गांव से आते हैं आप दूसरे गांव से अच्छा गुस्सा तो ना आ रहा हम बात कर रहे हैं गुस्से कोई बात नहीं भैया पेपर देखा है कौन सी क्लास में आप एक टेंथ में टेंथ में हाँ। ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है प्राइवेट यहाँ से टेंथ के बस टेंथ तक है या इंटर तक भी है ये आठवीं तक आठवीं तक और आप टेंथ के पेपर देखा
हम नारायण इंटर से कॉलेज से जुड़े हुए। अच्छा नहीं हमारे स्कूल है। इसी गांव के आप या दूसरे गांव के? शहजादपुर के। शहजादपुर की हो, ठीक है, थैंक यू। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। यकीन करो जो तुम्हें भुला चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। राम राम जी, क्या चल रहा है? क्या बुन रही हैं आप? ये बुन रही, सिल रही? सूट कुर्ता बना रही। और जी ठीक ठाक हो? क्या नाम है आपका? किरण। किरण, तो बीमार वार तो ना हो? ठीक ठाक हो वैसे? तबीयत सही है? तबीयत तो सही ना मेरी। क्या हो गया? ऐसे बुखार था। बुखार सर है वो? तो जांच उस ना कराई? जांच करवाई थी। अच्छा, क्या आया? आंख बनवाऊ थी ना मैं। हाँ। तो जांच करवाई थी तो आंख उसने खून की कमी बताई। अच्छा, नु कह दिया खून की कमी। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र तो 60 की हो गई। 60 की। जीने की इच्छा और है? और इच्छा तो दवा करा तो इच्छा तो है थी, क्या बात है। मतलब जीना चाह रही हो अभी या बस मन भर गया दुनिया से? मन भर गया। बताओ जल्दी बताओ आज। और जीना तो चाह रही थी, दवा कर रही। जीना चाह रही हूँ, क्या करोगी अब? क्या सपने रह गए अधूरे बताओ? सपने तो किसी के भी उधर, बच्चों के ब्याह हो गए सबके? कहाँ हो गए, अभी तो मेरे बालक के बैठे। पोती पोते रह गए या लड़की आपकी? पोती रह गए। तो पोती पोतों के ब्याह देखने? अच्छा, दूध दूध पिए करो? हाँ दूध ही पियो, फिक्का दूध पियो। शुगर हो मुझे, चक्कर शुगर हो, शुगर की कमजोरी है बस, नहीं वो मन नहीं हुई मेरी। दिक्कत कुछ ना तुम्हें बस? हाँ। वही है शुगर की वजह से। हाँ। परेशान हो? शुगर की वजह से जब बोतल चढ़ा ताकत उठ जाएगी, अपनी फिर ऐसी उठ जा। तो टेंशन मत लिए करो ज्यादा, कभी सोचती। हाँ टेंशन से तो वो हो, टेंशन से तो बीमारी हो। टेंशन मत लिए करो, टेंशन मस्त रहे करो, खाओ पियो मस्त रहो। बस ये बालक मेरे रहते ना आ गए तो मेरी चौलर सी हो गई, बालक बीमार रहे मौसम। अकेली रहो आप? हाँ बस। तो अकेला आदमी तो वैसे बीमार होता है, बहुत ज्यादा रोटी खाने का मन नहीं करता। अच्छा जी, तो बच्चों के धोरो रैले करो ना वहाँ बिजनौर में। अब बताओ शहर में रहे, बच्चे सब अपने अपने काम की पढ़ाई में लग रहे हैं, कुछ काम में लग रहे हैं। तो आपका मन ना लगता? तो मेरा मन नहीं लगता बस ये हो। तो मेरे साथ चलो। साथ चलूंगी। और जी ठीक ठाक हो? कैसी चल रही दुकान? दुकान सही चल रही है, बिक्री उक्री होती रहे ना? तो कहीं बिक्री सामान होना चाहिए ना दुकान तो जब चला। अच्छा सामान होना चाहिए, तो सामान कम कर रखा है क्या? कम कर रखा? अच्छा अच्छा, कितना बड़ा गाँव आपका? ये तो बहुत बड़ा गाँव है। बहुत बड़ा गाँव है, आए तो उधर से हो गए ना? हाँ उधर से आए। हाँ हम बस तो अभी चले जाओ, ऐसे ऐसे घूमते रहे घूम कर। अच्छा जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो शहजादपुर गाँव है वहाँ का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ग्राम प्रधान है उन्हीं के घर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो यहाँ पर नहीं है और उनके जो पुत्र हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा कपिल कुमार नाम है। और प्रधान जी का क्या नाम? प्रधान जी का नाम नोसपाल सिंह है। अच्छा जी, तो कहाँ गए आज? बिजनौर गए हुए हैं। बिजनौर गए जी, गाँव के अंदर अभी हम आए, वीडियो बनाई, हमने देखा कुछ लोग बता रहे हैं कि साफ सफाई की भी समस्या चल रही है। साफ सफाई की ये समस्या चल रही है क्योंकि जो हमारे यहाँ दो सफाई कर्मचारी थे ना जी, उनको एक को हटा दिया गया है। अच्छा, और उनकी ड्यूटी बिजनौर चल रही है। अच्छा, तो इस टाइम एक ही सफाई कर्मचारी है। बड़ा गाँव? हाँ गाँव बड़ा है, इसमें 2900 क्या नाम जनसंख्या है हमारे यहाँ की, और क्या नाम 2100 का पोलिंग है। अच्छा हाँ, काफी बड़ा गांव है उसके कारण इस वजह से मतलब साफ सफाई की। हाँ हाँ, कभी कभी स्कूल में भी जाते रहते हैं सरकार? हाँ स्कूल में भी जाते हैं। तो बच्चे भी ठीक ठाक? हाँ बच्चे भी ठीक ठाक हैं, स्कूल में काफी बच्चे हैं। और कुछ ऐसी वो चल रही हो समस्या, मतलब आप तो ग्राम प्रधान हो, जो आपका विचार चल रहा हो कि ये कार्य हमको कराने हैं यहाँ अपने गाँव में? वो तो देखो सब में चल रही है, जो जैसी दिक्कत चल रही है ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। नहीं कोई नया कार्य कराने की सोच रहे हो आप अपने गांव में? जैसा शौचालय वगैरह तो लोगों के बने हुए हैं? हाँ शौचालय सबके बने हुए हैं, 95% शौचालय बने हुए हैं। अच्छा, जंगल में कम जाते हैं? जंगल में बहुत कम जाते हैं। हाँ आजकल और टंकी का काम चल रहा है यहाँ, आपने आप आए हो आपने देखा भी होगा। इसकी भी शिकायत कर रहे थे कि तुड़वा के गिर दी चालू अभी हुई? नहीं देखो जब ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, पहले टूटेगी उसके बाद फिर क्या नाम पाइप डलेगा, क्यों एक साथ नहीं डाल सकते, क्यों कनेक्शन हम धीरे धीरे देंगे जी, जो होंगे ना कनेक्शन वो ये नहीं ऐसे नहीं होगा क्या ना, हम पहले तोड़ने के बाद फिर बार बार उसे तोड़ेंगे, अब तोड़ दिए उसके बाद रिपेयर कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, पहले सारी खुदेगी उसके बाद रिपेयर बाद में ही होगी वो जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम।
तो जैसे मेला लगता है यहाँ वहाँ कुछ होना चाहिए। सही है एकदम, बहुत सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा, हमारे गांव से अच्छी कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, मतलब जैसे आते हैं काफ़ी लोग आते हैं ऐसा सुना आपके यहाँ, तो सवारी वारी खड़ी करने का साधन कहाँ देता? सवारी करने का जगह पड़ी रोड पर खाली कर देते हैं हम, रोड पर तो निकलने पड़ने के, स्कूल खाली हो जाता है छुट्टी का, स्कूल पर पूरी खड़ी रहती है, स्कूल का जो फील्ड है हाँ उसमें। क्या नाम आपका? आकाश कुमार नाम है। क्या करते हैं? कारपेंटर काम करता हूँ। तो यहीं या कहीं बाहर रहते हैं? मंसूरी काम करता हूँ। अभी छुट्टी पाए आजकल? हाँ घर पे आ रखे, जयंती है ना। अच्छा, इस कारण घर पे। तो आप शहर में रहते हैं मतलब, तो शहर अच्छा लगता है आपको या गांव? शहर में तो है ही नहीं कुछ, गांव अच्छा लगता है, गांव में अपने सब सुविधाएं हैं। अच्छा, गांव किस तरीके से अच्छा लगता है मतलब? कैसे गाँव तो इस तरीके अच्छा लगता है, यहाँ पे हम पले बड़े हैं, यहाँ पे पैदा हो रखे हैं, बाहर पे क्या लगता है, बाहर पे तो बस काम करने जा रखे हैं तरीके से, काम करा और सो गए बस। गाँव की आती है बहुत ज़्यादा आती है, गांव तो गांव है, बाहर तो बंदा काम करने के लिए जा रखा है जी जी। पर घर की जो बात है वो कहीं पे भी नहीं हो मिलेगी, जो घर पे बात रहती है। अपना ही गांव अच्छा लगता है या सभी गांव अच्छे लगते हैं? सभी गांव अच्छे लगते हैं पर अपना गांव सबसे अच्छा अपना लगता है, क्योंकि ज्यादा जानने वाले बच्चे सब कुछ होता है। आपका क्या नाम है? विमल कुमार। तो आप क्या करते हैं? यहीं पर रहता हूं। यहीं रहते हैं जी। तो गांव में आपका तो मन अच्छे से लगता है? अच्छा लगता है गांव। अच्छा मतलब किसी तरह का आपको कुछ दिखाई देता है यहाँ कुछ होना चाहिए जैसे? नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है हाल फिलहाल, जो है सब ठीक है, ठीक जो सब ठीक चल रहा है हाल फिलहाल जो। ठीक है जी, थैंक यू। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही कोई नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।